नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। बीजेपी नेता की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे। मंगलवार सुबह बीजेपी नेता की टुकड़ों में लाश मिली थी। इस मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर दो संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस पर राहत की खबर, 116 मरीज डिस्चार्ज। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर राहत भरी खबर आई। सोमवार को 116 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। ये अब तक के सबसे ज़्यादा मरीजों के ठीक होने के आंकड़े हैं। दूसरी तरफ प्रदेश में 44 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। ये नए पॉजिटिव कोरबा जिले से 16, बिलासपुर से 7, रायपुर से 7, मुंगेली से 4, बलौदाबाजार से 3, बलरामपुर, दुर्ग व कोंडागांव से 2-2, कोरिया व रायपुर से 1-1 मरीज मिले हैं। भारत चीन की हिंसक झड़प, एक अफसर और दो जवान शहीद। भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले लंबे समय से जारी विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार रात गलवान घाटी के पास जब दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य हो रही थी, इसी बीच देशों के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ गया और दोनों सेनाओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें भारतीय सेना के एक अफसर और दो जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के 5 सैनिक मारे गए और 11 घायल हो गए। इस झड़प में दोनों सेनाओं की तरफ से एक भी गोली नहीं चली। 12 साल की बच्ची के क्वारंटाइन सेंटर में मौत। मुंगेली जिले के बावली गांव के क्वारंटाइन सेंटर में 12 साल की लड़की की मौत हो गई। लड़की की तबीयत पिछले 3 दिन से खराब थी। स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन विभाग की टीम नहीं पहुंची और लड़की की मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है। हर गांव हर गौठान में रोका छेका के लिए होगी बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीफ फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खुले में पशुओं की चराई पर रोक लगाने के लिए ग्रामवासियों से रोका छेका के लिए बैठक कर 19 जून से इस व्यवस्था को लागू करने की अपील की है। अमेरिका ने भारत को सौंपे 100 वेंटिलेटर्स। भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ हाई जस्टर ने मंगलवार को 100 वेंटिलेटर्स भारत को सौंपे। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट की ओर से भेजे जाने वाले 200 वेंटिलेटर्स की यह पहली खेप है। 16 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार देर रात उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र जैन को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी। अच्छी खबर यह है कि उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। एक्ट्रेस सौम्या सेठ भी करना चाहती थी सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोशल मीडिया के जरिए कई लोग सामने आए हैं जिन्होंने जीवन में कभी अवसाद का सामना किया है। टीवी एक्ट्रेस सौम्या सेठ ने भी अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया था जब वे खुद को मारने के तरीके ढूंढ रही थी। सौम्या उस वक्त प्रेग्नेंट थी, इसलिए इरादा बदल दिया। सौम्या ने 3 पेज का नोट लिखकर कुछ सलाह दी है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के सदमे में भाभी की मौत। सुशांत सिंह की खुदकुशी के सदमे में उनकी भाभी की मौत हो गई। रविवार को मिली सुशांत की मौत की खबर उनकी चचेरी भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाई और सोमवार को उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है सुशांत की भाभी सुधा देवी बिहार के पूर्णिमा जिले में स्थित पैतृक गांव में रहती थी। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।